दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईटीसी लिमिटेड के बारे में। फाइनली आईटीसी लिमिटेड के इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस कॉल के आउटकम्स यहां पर निकल कर आ चुके हैं और जिस इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस के आउटकम्स का आपको मॉर्निंग से यहां पर इंतजार था, फाइनली वो आउटकम्स यहां पर निकल कर आ चुके हैं। तो सारी चीजें डिटेल में एनालिसिस करेंगे, कंपनी की तरफ से क्या बड़ी अनाउंसमेंट निकल कर आ रही है डी मर्जर को लेकर, आईपीओ को लेकर, साथ ही साथ डिविडेंड, बोनस, बायबैक, आपके मन में जितने भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन के आंसर यहां पर इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले यदि आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जैसा कि आपको पता है कि आईटीसी लिमिटेड ने फर्स्ट टाइम ऐसी इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस कॉल यहां पर अपडेट करी थी और आज के दिन आपको जो इस शेयर के अंदर 2.5% तक की गिरावट देखने को मिली है उसके पीछे के अगर एक रीजन की मैं बात करूं तो ये जो इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस कॉल है ये मॉर्निंग 10:30 to 5 PM तक हमें यहां पर देखने को मिल रही थी, यानी कि ऑलमोस्ट 6 से 6.5 घंटे तक हमें ये इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस कॉल होते हुए देखने को मिली, जिसमें सबसे पहले कंपनी ने अपने पॉइंट्स यहाँ पर इन्वेस्टर के सामने रखे, फिर इन्वेस्टर के क्वेश्चंस यहाँ पर लिए और उनका रिप्लाई यहाँ पर किया है। तो इस कारण से आज के दिन जब मार्केट चल रहा था यानी कि 3:30 बजे तक आईटीसी की इस इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस कॉल के थ्रू कोई ऐसी बड़ी अपडेट निकल कर नहीं आई थी लाइक डी मर्जर को लेकर, आईपीओ को लेकर, बोनस, बायबैक, डिविडेंड को लेकर, जिस कारण से आपको इस शेयर्स के अंदर कोई बड़े मूवमेंट देखने को मिले। हालांकि आज के दिन तो हमें आईटीसी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है, लेकिन अब जो यहां पर आउटकम्स निकल कर आ ही चुके हैं तो कल के दिन आपको इस शेयर के ऊपर इन आउटकम्स का इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो क्या बातें यहां पर संजीव पुरी जो कि आईटीसी के चेयरमैन हैं उनकी तरफ से कही गई है, आइए वन बाय वन सारी चीजों को डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आईटीसी लिमिटेड के डी मर्जर को लेकर यहां पर क्या बड़ी अपडेट निकल कर आई है। तो आप देख सकते हैं ओपन टू डी मर्जर ऑफ एफएमसीजी लिस्टिंग ऑफ आईटी बिजनेसेस, यहां पर आप कंप्लीट डिटेल्स देख सकते हैं 14 दिसंबर 2021 की आज की इवनिंग सेशन में यह न्यूज निकल कर आई है, जिसमें आईटीसी लिमिटेड चेयरमैन संजीव पुरी हैज सेड द कंपनी इज ओपन टू द आइडिया ऑफ डी मर्जर ऑफ द फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एफएमसीजी बिजनेस एंड लिस्टिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी कि अभी तक जो चीजें हमें सिर्फ आइडिया पर देखने को मिल रही थी अब वो कहीं ना कहीं हमें एग्जीक्यूट होते हुए देखने को मिलने वाली है और बहुत जल्दी आपको आईटीसी की ही कंपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी बिजनेस इनका डी मर्जर होकर इसका सेपरेट आईपीओ आपको मार्केट में आते हुए देखने को मिलने वाला है। लेकिन ये प्रोसेस इतना इजी नहीं होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि हमें कुछ टाइम पहले टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड का मर्जर देखने को मिला, लेकिन उस मर्जर की कब से बात चल रही थी, ठीक 1 से 1.5 साल पहले से बात चल रही थी, लेकिन अब जाकर हमें टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड का मर्जर देखने को मिला। इसी अगर किसी कंपनी का डी मर्जर होता है तो उसकी भी जो प्रोसेस है उसमें काफी समय लगता है। तो यहां पर जो संजीव पुरी जो कि आईटीसी के चेयरमैन है उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट निकल कर आया है कि वो अपने आईटी बिजनेस को यहां पर सेपरेट कर रहे हैं यानी कि डी मर्जर कर रहे हैं, जिस कारण से यहां पर अब आपको प्राइस अनलॉकिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन यह प्राइस अनलॉकिंग में आपको अभी और ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। बात करें कि डी मर्जर होने के बाद में जो आईटीसी के शेयर होल्डर्स हैं उनको किस हिसाब से यहां पर आईटी के यानी कि आईटीसी के आईटी बिजनेस के जो यहां पर आईपीओ आएगा उसके शेयर्स अलॉट किए जाएंगे, तो स्वाइप रेशियो के अकॉर्डिंग यहां पर शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, लेकिन उसका रेशियो क्या होगा वो अभी तक कुछ फिक्स नहीं किया गया है। जब सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएगी, जब आईपीओ की फाइनलाइजेशन हो जाएगी, तब आपको इसकी अपडेट्स देखने को मिलेगी। तो यहां पर फाइनली आज के दिन हमें जो सबसे बड़ी न्यूज देखने को मिल रही है वो यही है कि आईटीसी की चेयरमैन संजीव पुरी की तरफ से कहा गया है कि आईटीसी का जो आईटी बिजनेस है अब उसको यहां पर डी मर्जर के लिए एग्जीक्यूट किया जाएगा प्लान को। साथ ही साथ कंपनी के आईटी बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, यानी कि जो एबिड्डा है जो कि हमें कोविड के पहले 8% देखने को मिलता था, वही एबिड्डा का परसेंटेज पिछले 1 साल में बढ़कर 20% से भी ऊपर पहुंच गया है। यानी कि कंपनी का जो आईटी बिजनेस है वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है और इसी कारण कंपनी अपने आईटी बिजनेस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज़ संजीव पुरी ने कही है कि यहाँ पर कंपनी आने वाले टाइम में यानी कि नेक्स्ट 3 साल में आईटीसी लिमिटेड के आईटी बिजनेस के अंदर लगभग 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है।
आपको पता हो तो पिछले कुछ टाइम पहले यानी कि कंपनी की जब एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी, जब कंपनी ने कहा था कि होटल बिजनेस को लेकर भी आपको यहां पर डीमर्जर देखने को मिल सकता है, लेकिन यहां पर संजीव पुरी का कहना है कि ये होटल बिजनेस के डीमर्जर को लेकर अभी कोई फाइनल यहां पर डिसीजन नहीं लिया गया है, अभी सिर्फ आईटी सेक्टर को लेकर ही डीमर्जर का प्लान किया जा रहा है। तो यहां पर होटल बिजनेस, एफएमसीजी बिजनेस को लेकर डीमर्जर की कोई बड़ी अपडेट निकल कर नहीं आई है। वहीं अगर बात करें डिविडेंड, बोनस, साथ ही साथ अगर बात करें कंपनी के कुछ और कॉरपोरेट अनाउंसमेंट की, तो ऐसी कोई कॉरपोरेट अनाउंसमेंट यहां पर निकल कर नहीं आई है जिसका इन्वेस्टर को काफ़ी समय से इंतज़ार था। तो यहां पर सिर्फ बात डीमर्जर को लेकर कही गई है और कंपनी की तरफ से कहा गया है कि हम अपने एक्सपोर्ट बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ इनका जो मेन फोकस है वो डिजिटलाइजेशन पर है। यानी कि संजीव पुरी का कहना है कि आईटीसी जितने भी सेक्टर में काम करती है, लाइक एफएमसीजी सेक्टर, होटल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, जितने भी सेक्टर में कंपनी काम करती है उनमें अब डिजिटलाइजेशन पर मूव ऑन करने के लिए कंपनी पूरी तरीके से तैयार है। यदि आपने भी आईटीसी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो अब आपको भी लॉन्ग टर्म का व्यू ही रखना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ऐसी कोई न्यूज़ निकल कर नहीं आई है जिस कारण से यहाँ पर आपको 300 रुपये, 350 रुपये तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में देखने को मिले। लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स बुरा नहीं है, 2,00,000 करोड़ से भी अबव के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली ये कंपनी है जिसके अंदर वॉल्यूम बेस्ड काम भी आज के दिन हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। डिलरेबल बेस्ड काम तो डेली बेसिस पर इस शेयर्स के अंदर काफ़ी अच्छा देखने को मिलता ही है। अरे इन्वेस्टर्स के बहुत ज़्यादा ये भी क्वेश्चन आ रहे थे कि आईटीसी या फिर किसी और कंपनी के जो ऑफिशियल सर्कुलर रिलीज होते हैं उन्हें अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो एनएसई और बीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट करके इन सर्कुलर को डाउनलोड भी कर सकते हैं और कंप्लीट डिटेल में रीड भी कर सकते हैं। अब बात करें कि आईटीसी के अंदर अब आपको क्या स्ट्रेटेजी लेकर चलना है, तो एडलिवस की तरफ से यहाँ पर कल ही के दिन जो आईटीसी लिमिटेड के टारगेट हैं वो 265 रुपीज़ के दिए गए हैं, लेकिन आप यहाँ पर अब आप शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म का व्यू रखिए, इस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करिएगा, क्योंकि ये शेयर शॉर्ट टर्म पर्पज से तो अपने इन्वेस्टर को कोई खास रिटर्न इस शेयर ने बनाकर दिया नहीं है। यानी कि पिछले 5 साल में अगर आप देखेंगे तो पिछले 5 साल में जिस शेयर प्राइस पर ये शेयर हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा था उसी रेंज में ये अभी भी हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से तो हमें इस शेयर्स के ऊपर वापस सेलिंग प्रेशर बनते हुए देखने को मिल रहा है। तो यदि आप ऑलरेडी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं तो सेफ जोन में तो डेफिनेटली ये शेयर्स हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्पज से, शॉर्ट टर्म में अगर आप प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो आप एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करती दूसरी कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आपको शेयर मार्केट की हर छोटी बड़ी अपडेट्स कंटिन्यूअसली बेसिस पर प्रोवाइड करी जा रही है।